दोस्तों बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जिसकी स्वीकृति सरकार द्वारा एक साल पहले मिली थी, जो गाजीपुर के हरदिया से शुरू होकर बलिया के तीखा गांव तक 33 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनना था, परंतु अब किसी कारणवश इस परियोजना को यूपी गवर्नमेंट द्वारा निरस्त कर दिया गया है और इसकी जगह एक नई ग्रीन फील्ड परियोजना तैयार की गई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना क्यों निरस्त की गई तथा इसके बदले कौन सी नई परियोजना सरकार ने गाजीपुर बलिया वासियों को दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जो 33 किलोमीटर का हरदिया से शुरू होकर तीखा गांव तक बन रहा था, इस परियोजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए थे। इस परियोजना का 23 किलोमीटर का हिस्सा गाजीपुर में जबकि 10.20 किलोमीटर का हिस्सा बलिया में था तथा इस परियोजना का सर्वे और DPR तैयार करने का कार्य दिल्ली की LN मालवीय कंपनी को दिया गया था, परंतु कंपनी ने सर्वे में गड़बड़ी कर दी और उसने बलिया के 10 गांव ऐसे चिन्हित कर लिए जो नेशनल हाईवे 19 को भी प्रभावित कर रहे थे। इसके लिए मुख्य सचिव अधिकारी अवनीश अवस्थी जी ने कंपनी को नोटिस भी जारी किए तथा नया अलाइनमेंट तैयार करने के आदेश भी दिए, परंतु कार्य में देरी और सही DPR तैयार न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया, जिससे करीब 700 करोड़ रुपए की बचत हो गई है। परंतु सरकार ने बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की जगह नई तथा इससे बेहतर परियोजना प्रस्तावित की है, जो गाजीपुर से बलिया होते हुए माझीघाट तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगी। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ पूर्वांचल को ही नहीं बल्कि बिहार को भी रफ्तार पकड़ने के अवसर देगी। यह ग्रीनफील्ड परियोजना गाजीपुर के जंगीपुर से शुरू होकर माझीघाट में खत्म होगी। इस परियोजना की स्वीकृति अलाइनमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट को गाजीपुर के उत्तम नगर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है। यहां से करीब 4 किलोमीटर आगे उत्तर दिशा में करीमुद्दीनपुर में बक्सर व आरा जिले तक जुड़ाव के लिए करीब 17.27 किलोमीटर लंबी बक्सर इस पर परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है, जो 2 लेन का लिंक रोड होगा। दोस्तों गाजीपुर बलिया माझीपुर एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। यूपीडा और गाजीपुर व बलिया के प्रशासन को जमीनों का ब्यौरा एकत्र करने का आदेश भी दिए जा चुके हैं, जिसके आधार पर DPR रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पहले गोरखपुर माझीपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 29 और गाजीपुर बलिया माझीघाट राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 से जोड़ दिया जाएगा। इस तरह बक्सर इस पर परियोजना के जरिए NH 84 से जोड़ने के बाद यह परियोजना की तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।